जय माता दी, माता रानी हमें फिर बुलाना, हम आपके दरबार में फिर से आए एक बार। बोलो माता रानी की जय जयकारा, महामाई का साचे दरबार की जय। तो अभी हम तैयार हो गए, मैं पहनने वाली थी सूट, नहाकर सोए थे तीन मतलब आए रात को हम 1:30 बजे थे, फिर 2:30 बजे तक पैकिंग मतलब की है, फिर 3 बजे मैं नहाकर फ्रेश होके बिल्कुल जब सोई थी 1 घंटे के लिए, फिर चाय पी, उठे, सोचा सूट पहनूंगी वूलन वाला, पर सर्दी इतनी ज़्यादा है ना बाहर तो वूलन नहीं पहना, और अपना कोट ऊपर से डाल लिया और फटाफट से चलते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये क्या है? मफिन है, ये मफिन है, दही, दही, नमक, नमक, काली मिर्च, काली मिर्च भी है, ये सैनिटाइजर है, इसमें है और सोस। ये सॉस, इसमें है कटलेट, कटलेट पराठा। तो ये नाश्ता है गाइस हमारा, अभी नाश्ता करेंगे, यहाँ का है नाश्ता है, और ये बता रहा है कि दोपहर 1 बजे के करीब आएगा हमारा लंच। अभी हमने चाय ली और थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था चाय, और सच बताओ खाना अच्छा है, टेस्टी है। और जब हम आए थे वैष्णो तब हमने मतलब रात का डिनर किया था, इसमें बहुत टेस्टी था। अभी तो पता नहीं कैसा आएगा, आज बता देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा लिंक, अगर किसी को देखना है कि किस टाइप का खाना है। इसलिए स्पेशली मैंने ब्लॉग बनाया है, और कुछ लोग करते हैं ना, वो देखते हैं कि बस वंदे भारत के किस टाइप का खाना होगा, कैसी होगी। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई थी, अब आज सेकंड टाइम जा रहे हैं, बहुत तो अच्छा लग रहा है, खा कर बताएंगे आपको। और टेस्टी है, खाते हैं, मिलते हैं। कटलेट कितने टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे ना। और हमने तो वैसे भी डबल डबल खा लिया, रिद्धि सिद्धि ने नहीं खाया, तो उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिए दही कटलेट और पराठे, तो ओवर हो गया है बहुत ज़्यादा, और बच भी गया है। ये देखो इसमें बच भी गया पराठे और कटलेट, क्योंकि ये सब हम खा चुके हैं, तो एकदम टेस्टी वाला खाना, सच्ची में मज़ा आ गया, और सही में बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, खाने मतलब खाने में रियलिटी में जो भी दिया है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए जब आएगा खाना तो वो आपको दिखाऊंगी वो भी कैसा है। ये आज छोटा सा बच्चा ये बहुत देर से गाना गा रहा है, मोए मोए हाय बोलना, व्लॉग बन रहा है, हाय तो बोल दे, बोल चुप गया। ये मुझे लग रहा है पुनीत सुपरस्टार का फैन है, एक डायलॉग सुना रहा था, मैं टूट गया। सुनाइए सर, सुना दो नहीं सुना है, नहीं शर्मा रहा भी है, शर्माता ना आए
ये तो बहुत देर से सुन रही हूँ मैं इसको, बहुत देर से सुन रही हूँ, बड़ा क्यूट सा है। सुना ना? अच्छा सुना, व्लॉग बनाती हूँ मैं, व्लॉग में आएगा, जल्दी सुना। कैसी हो दोस्तों? दोस्तों बता दो ट्रेन का सफर कैसा रहा, बताना। ठीक ठाक था, बस खाने को मिलता रहा तो मजे आते रहे। हाँ ये एक फैमिली के सब आई हैं, वैष्णो माता के दर्शन करके आए हैं। कैसे रहे वैष्णो माँ के दर्शन? बहुत बढ़िया। ये भी शिव खोड़ी गए थे और हम भी शिव खोड़ी गए थे। वॉशरूम है हिंदी इंग्लिश दोनों, सब आ रहे हैं एक एक करके। गर्मा गर्म लंच हमको मिलेगा। अभी आ चुका है हमारा, ओह माय गॉड, रसगुल्ला। अभी स्नेहा अनबॉक्स करेगी और उसने हिल कर चुका है अनबॉक्स। माय गॉड, पनीर, चावल, छोले, आलू गोभी और फेवरेट स्नेहिल का रसगुल्ला, दही, स्पून और भी कुछ है, चपाती भी है। माय गॉड, ये चपाती है, बहुत कुछ मिलता है सच में, बहुत कुछ मिलता है। डिनर डिनर नहीं है ये, सॉरी लंच, लंच में। तो अभी इसको इंजॉय करेंगे। गाइस इस तरह का एक रसगुल्ला और चपाती और टिश्यू पेपर भी है और इसके अंदर सैनिटाइजर फिर से एक बार और चपाती, थ्री रोटी आपके बाद, थ्री चपाती और ये फिर से काली मिर्च और फिर से नमक भी आया है भाई, साल्ट और कुछ भी है क्या इसके नीचे? टिश्यू पेपर है और बस और कुछ नहीं, खा लेते हैं। सही है, तो बहुत कुछ मिलता है, तो बहुत अच्छा खाना है। टेस्ट वाइज अभी बताएंगे थोड़ी देर में। वो खाना शुरू कर चुका है, वो खा रहे हैं, उधर सर्व किया जा रहा है। टेस्ट में कैसा है, कैसा लग रहा है स्नेहा? टेस्टी है। चलिए पास कर दिया स्नेहा ने, तो हम भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं अपना फूड। गाइस सब कुछ खा लिया मैंने, तीन दही के वे थे बाउल, दो रसगुल्ले थे और कितना खाया उसने? तीन प्लेट सबने खाई है, दो दो प्लेट मैंने खाई है, तीन प्लेट मैंने एक ही खाई है, मैंने तीन खाई है ना, मम्मी ने तीन खाई है। तो अब मेरा चार दिन में 4 किलो वजन जरूर बढ़ेगा क्योंकि मैंने फुल प्लेट खाया। इसने तो क्या कह रहा, क्या खाना अच्छा था ना सबसे ज्यादा? किसने खाया वो तो कितना अच्छा था, तो तीन प्लेट। ये कह रहा मम्मी वी आई पी है, कोई सोचेगा तीन प्लेट मिली है खाने के लिए? ये देखो कैसी बैठी हुई देख रही है, देखो इस टाइप के इसमें कुछ लगा हुआ है, तो ये बता रही है कि ये क्या है, बंदों को तोड़ने का हैमर टाइप। देखो इसे भी पता है, ये मुझे नहीं पता था, मैं सोच रही थी ये फायर कुछ आग वाग बुझाने का है। अगर आग लग जाए अब तो सारी विंडो से टूट सकती, ऐसा कुछ नहीं है कि विंडो में टूट सकती है। ओ माय गॉड, क्योंकि ये तोड़ देगी लड़की से। नहीं, अगर शीशे का वो टूटता है ना, मार दो टूट जाए। अच्छा नहीं, देखो अब जाने वाले हैं तो जाने का जोर से ही, घोड़ों की बात हो रही है कि वैसे मुझे भी चढ़ाई कैसे की तुमने, अब वो भी तलाश आ रहा है, जाना है स्टेशन, आगे जल्दी उठो। क्या बोल रही है? टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू। अब बोल, हम क्यों भूलेंगे?
बोल हम क्यों भला बोलेंगे कह रही है कि भूल के मत जाना सारे सवाल लूटे जाएंगे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद हमारा धन्य हो गए हम जय माता दी हम जा रहे हैं जय माता दी अपने घर और हम अपने घर तो गाइस जी जय बाबा आए दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ गए अब जाएंगे मेट्रो से घर खींचते हुए सामानों को जा रहे हैं स्नेल सबसे आगे आगे ये देखो मानेगा नहीं है लड़का 3 बजे आए पूरे 9 घंटे में सफर तय हुआ है हमारा घर तक का आधा घंटा और लग जाएगा बहुत ज्यादा मेट्रो में रश है देखो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे इसको तो सीट मिल गई स्नेहिल फोन में बिजी ये कह रहा जाओ मम्मी बैठ जाओ सीट हो गई मैं कह रही हूँ पागल अभी टाइम ना फिर बैठेंगे दूसरे स्टेशन आ गया आया चल खड़ा हो जा फिर से दूसरी मेट्रो ले ली गई और अब लगेगा आधा घंटा घर तक जाने में और यहाँ भी सीट नहीं है गिरी लीजिए अभी क्या हुआ है ये वाली गाड़ी ने तो मतलब ये वाली मेट्रो ने तो दिलशाद गार्डन ही उतार दिया ये गाजियाबाद तक नहीं जा रही पता नहीं क्या रीजन है अब टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर नहीं दूसरी में जाएंगे या दूसरी में जाएंगे देखते हैं पौने 4 तो यही बज गए घर किस टाइम पहुंचेंगे हम इसने यहाँ पता नहीं 4 बजे से भी आ गई चलो अंदर जल्दी फटाफट दिल्ली से गाजियाबाद तक का सफर बड़ा ही कठिन होता जा रहा है अभी देखेंगे टैक्सी घर जाएंगे थकान इतनी ज्यादा हो रही है जल्दी से टैक्सी मिल जाए बस सामान हो गया कुछ ज्यादा ही वो तो हम कुछ शॉपिंग करके नहीं लाए जब ये हालत है शॉपिंग कर लेते तो पता नहीं क्या ही हो जाता हमारा तो कुछ नहीं लिया है सिर्फ प्रसाद लेकर आए हैं तब ये हालत है चलो जी मिल गई टैक्सी अब चलते हैं घर ओ थक चुका है तो बहुत बुरी तरह से उसने कम मन था दूसरी कुछ कैब करने का लेकिन वो नहीं मिली और ये उदास है ये डांट पड़ चुकी है कि तू हीरो बन के जाएगा क्या जैसी मिल जाए तो ऐसी चलते हैं क्योंकि घर ही तो पहुंचना है तो अभी तो गाइस घर में मैं आ चुकी हूँ घर में आते के साथ ही ये देखिए कितना काम है बच्चे मिले हैं देखिए फ्रीज बंद करके गई थी पूरे फ्रीज की सफाई करनी सारे घर में पोछा लगाया है चादर चेंज की है किचन साफ की है यहाँ पर सारे मैंने सामान अभी तो फिलहाल मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिए सारे धुलाई करेंगे जो सही कपड़े तो निकाल दिए सारे कपड़े यहाँ सब पोछा लगा दिया पूरा बाहर धुलाई कर दी गई है ये देखो और कपड़े ऊपर जा चुके हैं ऊपर भी पोछा लगा के आई हूँ और स्नेहा ने दियाबाती करी है कन्हैया जी की आके और यहाँ पे नायरा और शगुन आए हुए हैं तो ये बच्चे बैठे हुए टीवी देखने लगे स्नेहा भी नहा ली है स्नेहिल भी नहा लिया है और इसके पापा भी नहा लिए हैं और ये देखिए मैंने मशीन लगा दी फटाफट से क्योंकि इतने सारे स्लीपर्स की धुलाई भी कर दी और जो जूते वो बाहर रखे हुए हैं बाथरूम में वो अच्छे से धुलेंगे आधे से ज़्यादा कपड़े ऊपर जा चुके हैं धुलने आधे धुल रहे हैं 2-3 तार भर चुके हैं मेरे क्योंकि सोच रही हूँ कपड़े धुल जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे तो पर्स वगैरह वॉश कर दिया है पूरे बैग सब वॉश होंगे हालत ख़राब हो जाती है जब कहीं जाते ईजी नहीं है ये ऑयल वगैरह जो ले गई थी सब संगवाना भी है सारे रूम की सफाइयाँ कर दी गई हैं अब मैं खाने का देखूंगी क्या बनेगा देखो बहुत काम होता है कहीं भी जाते इजी नहीं होता जाना तो घर आ गए हैं फटाफट से काम करते हैं नायरा शगुन और दीदी भी आई हुई हैं तो मैं काम कर लूँ फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक काम करते पर मुझे अभी खुद भी नहाना है यार चाय तो मैंने पी ली है चाय बन चुकी है खाना वाने का देखना लेट आए थे बहुत ज़्यादा तो कपड़े धो लूँ फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय यहाँ पर सुबह सुबह कर दिया गया है गिफ्ट पैक और प्रसाद और ये जा रहे हैं एनिवर्सरी में 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और जैसे कि मकर संक्रांति है मुझे बनानी है खिचड़ी यहाँ पर कान्हा जी को स्नान करा दिया गया है
फटाफट से, बहुत ज्यादा काम है, सारे कपड़े धुल गए ऊपर क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकल आई है। और मोनिका दीदी रात चली गई थी 10 बजे, ये छोड़कर आए थे, बच्चे भी चले गए और अभी सामान थोड़ा फैला हुआ है, ये भी संगाना है, फटाफट से काम खत्म करते हैं। तो गाइस धूप ने साथ दे दिया आज, माता रानी की कृपा से धूप निकल आई है, मेरी सारी अटैचियां वॉश हो गई, कपड़े भी सूख गए हैं, ये देखिए बड़ा ही फायदा हो गया धूप का, नहीं तो मेरे को बड़ी मतलब दुविधाओं का सामना करना पड़ता। और अभी मेरे को पूजन करना है क्योंकि है मकर संक्रांति और कन्या जीवती हैं तो उनके लिए भी पूरी सब्जी हलवा ये सब बनता है, तो वो भी इंतज़ाम करेंगे और खाने में लगेंगे फटाफट से। ही देखो हालत कपड़ों की, माय गॉड कितने कपड़े हैं, देख के भी हैरान हो जाएंगे, कपड़े कपड़े पूरी छत पे, यही हाल होता है। फटाफट से नीचे जाके कर ले पूजन और अपना करते हैं काम, जय माता दी, पूजन का इंतजाम करना है, ठीक है जी, राधे राधे, जय माता दी। अभी कान्हा जी आराम से बैठ गए हैं और कान्हा लल्ला खाएंगे, गरम गरम हलवा, जय जय श्री राधे। आराम से गद्दे पे बैठ गई हैं छोटी लल्ला और राधे रानी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। ओ राधे राधे, इस तरह से इनके भी हाथ भी ढक दिए हैं और पर्सी उड़ा दिया है। राधे।